गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आज हम करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम निमैथ हेलमिंथस ऑल्सो नोन एज एसखेलमिंथस निमेथलमिंथस एंड एसखेलमिंथस इज वन ऑफ द सेम थिंग जस्ट राइट डाउन एसकेलमिंथस राइट बिफोर वी कम टू द कैरेक्टर्स मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाना चाहूँगी ये देखिए जस्ट ऑब्जर्व दिज पिक्चर्स केयरफुली ये एसकैरिस है ये वकेरिया ये है दिस इज पैरागोर्डिस जस्ट ऑब्जर्व दैम केयरफुल दिस इज कोलोथिका ये देखो दिस इज सिफेलो डेसिज और ये है अकाइनो डेरेला करेक्ट सो बेसिकली इफ यू सी एस्कैरिस विकेरियारे और पैरागोडियस इफ यू सी और अदर वर्म्स फॉर दैट मैटर यू विल फाइंड दैट दीज दे आर यू जस्ट नो इट सीम्स एज इफ जैसे जैसे लगता है जैसे मोटा सा कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है राइट सो जैसा कि आ, आ, हमने कहा है कि फाइलम निमेट हेलमेंथस निमेट का मतलब ही क्या होता है नीमा नीमा का मतलब ही थ्रेड होता है हेलमेंथस मतलब वर्म तो इसका मतलब क्या है ये थ्रेड लाइक वर्म्स हैं या फिर जैसे कि मैंने बताया दिस इज ऑल्सो नोन एज मथस राइट एस्खल एस्क वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एस्कोज एस्कोस का मतलब होता so uh, है बैग सो यू कैन से कि ये जो वर्म्स हैं ये बैग लाइक वर्म्स है राइट सो दीज वर्म्स इफ यू सी दैट प्लेटिहल में भी हमने वर्म्स किए थे बट वो कैसे थे फ्लैटेंड वर्म्स थे और ये कैसे वर्म्स है दीज आर राउंड वर्म्स थ्रेड लाइक वर्म्स और यू कैन से बैग लाइक वर्म्स एंड हिट्रोजेनस है ये हर जगह पाए जाते हैं हर हैबिटाइट में फ्रेश वाटर मरीन एक्वेटिक पैरासिटिक फॉर्म में इस मतलब अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड स्पीशीज़ हैं मेथलमिंथस की और जिसमें से फिफ्टी स्पीशीज जो हैं वो ह्यूमन में पैरासाइट्स हैं एंड दीज वर्म्स आर एडवांस्ड देन द्लेटी हेलमेंट्स अभी हम कैरेक्टरिस्टिक करेंगे जब तुम्हें कंपेरिजन में पता चलेगा हाउ दे आर एडवांस्ड राइट नाउ वी स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक वन बाई वन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी मैंने एक तुम्हें डायग्राम दिखाई दिया है सो देट यू हैव आइडिया बॉडी फॉर्म अब आपने देखा ना बॉडी इनकी कैसी है लॉन्ग है सिलिंड्रिकल है राइट right? अभी जै, जैसे मैंने बताया कि थ्रेड लाइक -like है या यू कैन से बैग लाइक है राइट right? सो so, और आपने देखा कि पूरे यू नो वर्म पर कोई साइड में अपेंडेजेस भी नहीं है तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं राउंड वर्म्स भी बोलते हैं सिंपल एक इस तरह जो है एक जैसे वर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वर्म लाइक स्ट्रक्चर साइड में ना कोई अपेंडेज वगैरह है करेक्ट सो दिस इज देयर बॉडी फॉर्म नेक्स्ट इफ यू सी जर्म यू यूल फाइंड दैट दीज वर्म्स आर ट्रिपलो दैट मीन्स

सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन राइट दैट मींस दे हैव फुल फ्लजेड सिस्टम कॉम्प्राइजिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स, सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ इज सिमेट्री जैसा कि प्लेटी हाल में बाइलेट्रल सिमेट्री शुरू हो गई थी ना सेम वे यहाँ पर भी बॉडी की जो सिमेट्री है वो बाइलेट्रल है क्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉडी वॉल बॉडी वॉल इफ यू सी इट इज वेरी कॉम्प्लीकेटेड हिस्टोलॉजिकली भी एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन भी हिस्टोलॉजिकली कैसे कि यूजली क्या होता है बॉडी वॉल हम इस तरह ड्रॉ करते हैं ना आउटर लेयर इज मेडअप ऑफ

नहीं हो रखा तो इस तरह के एपिडर्मिस को क्या बोलेंगे सिंशियल एपिडर्मिस है एस्कलमेंथस में राइट एंड अपार्ट फ्रॉम यू नो एपिडर्मिस पिछले बार मैंने बताया था कि uh, प्लेटिहलमेंथस में तीनों तरह की लॉन्गीट्यूडनल सर्कुलर ओब्लिक मसल्स है हेयर ओनली यू uh, नो you know, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल वो. राइट और एपिडर्मिस के भी अपने दो फायदे इंपॉर्टेंट फायदे हैं क्योंकि देखो दो सेल्स के बीच में यूजुअली यूजुअली कोई ना कोई स्पेस रह जाती है यहाँ पर नो इंटरसेलुलर देयर सो दिस काइंड ऑफ बॉडी वॉल इज लेस फ्रीली परमीएबल राइट इट डजेंट अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट एंड हैव लो वाटर परमीएबिलिटी क्ट सो सच काफ बॉडी वॉल एज गॉट टू इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफ यू सी इज बॉडी कैविटी प्लेटी हेलमेंट कैसे थे ए सिलोमिट्स थे यहां पर मोस्ट ऑफ द वर्म्स आर सोडोसिलोमिट्स होता क्या है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो ब्लास्टोसील बनती है ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम सो ब्लास्टोसील जो है लेटर ऑन क्या बनाते हैं ग्रोन अप एनिमल में वही ही सीरोसिलोमिट में कन्वर्ट हो जाती है और इस सूडोसिलोम में जो फ्लूड होता है उसको बोलते हैं सूडोसिलोमिक फ्लूड सो दैट गेट्स फिल्ड अप विथ सूडोसिलोमिक फ्लूड एंड दिस फ्लूड इनफैक्ट फॉर्म्स हाइड्रोलिक स्केलेटन correct and it provides the shape to the body right next uh, characteristic if you see apart from body cavity cavities digestive system it uh, calmentus, they have complete elementary canal The uh, you know digestive system start from mouth till anus although the intestine doesn't have you know much musculature but they have you know simple digestive system complete but complete digestive system and it looks there is tube in tube plan. How what is tube in tube plan? Say this is body wall. Correct. And into the body wall lies simple elementary canal straight tube like this. So if you see and it open outside. So it, it looks as if one tube is inserted into another so this is tube within tube plan tube within tube plan not tube in tube plan tube tube within tube plan correct next is if you see respiratory and circulatory system राइट right? रेस्पिरेशन जो है थ्रू बॉडी सरफेस होता है राइट और जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एज सच सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है बट सूडोसिलोमिक कैविटी में जो सूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वही बॉडी को डिस्टेंडेड भी रखता है सूडोसिलोमिक फ्लूड सो जो वो सूडोसिलोमिक फ्लूड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है करेक्ट नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हेयर इज नर्वस सिस्टम सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या इंट्रा सेलुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है देर इज अ सेल नोन एज रेनेट सेल रेडेड सेल क्या है कि एक सेल है वो सेल जो है वो इस तरह जो है सम नो लाइक एच शेप्ड और यहाँ पर जो है ना मतलब इस तरह से कैनाली क्यूली है जो कि इन दोनों एक्सक्रीटरी कैनाल को कनेक्ट uh, करती हैं तो और यहाँ पर जो है न्यूक्लियस है सो so, ये एक सिंगल सेल जो है वो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एच शेप्ड So we can say it has got H-shaped intracellular excretory system where there are two limbs and both the limbs are joined together by small canaliculi. Here you see anterior limbs; these are anterior limbs. They are shorter than the posterior limbs, right? So, and in, if you will see that there is no opening, uh, no any uh, you know uh, such opening in rennet cell. They just absorb it through their wall. Basically, the worms are a monotelic, right? Some, you know, forms, they do have protonephridia for excretion. Correct? Now, next system, if you see, is nervous system. Next characteristic. Here, in nervous system, if you see, uh, it consists of circumpharyngeal ring. you know, a ring is there through which, you know, around the uh, pharynx, which uh, pharynx passes through this ring. and this forms the central nervous system and they give out, you know, nerves anteriorly and posteriorly. right, there are certain ganglia uh, in circumpharyngeal ring. and this circumpharyngeal correct now next important characteristic if you see is utility what is utility utility means number of cells are fixed in every system of the body right the number of cell doesn't increase after a particular uh, period of growth right after that

दीज आर देंस ऑर्गन्स पेपिली क्या टैंगो रिसेप्टर्स हैं पेपिली में क्या होता है कि जैसे जो न्यूरोन uh, है वो इस तरह एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसकी एंडिंग एट द सरफेस जैसे टैंगो रिसेप्टर है वहाँ पर पेपिली प्रेजेंट है एम्फिड्स में क्या होता है कि एक सपोर्टिंग सेल होता है इस तरह है? और सपोर्टिंग सेल के भी अंदर इस तरह से यू नो सेंसरी सेल्स फाइब्रल्स होते हैं नर्व फाइबर होते हैं ये सपोर्टिंग सेल है और फाज्मिट्स में तो क्या होता है कि एक्चुअली ये न्यूरोग्लैंडुलर सेल्स हैं इसमें क्या होता है कि टू पेयर ऑफ यू नो ग्लैंड्स हैं जो कि बॉडी की, की साइड में इस तरह ओपन होती हैं तो इस तरह जो है पैपिली एम्फ और इट्स इस तरह के जो हैं तीन सेंस ऑर्गन्स होते हैं पैपिली बेसिकली टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं एम्फिड और फाज्मिड्स जो हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कीमो रिसेप्टर्स जैसे मैंने बताइए फाजमि ग्लैंडुलस न्यूरो ग्लैंडुलर रिसेप्टर है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन हेयर इफ यू सी सेक्सेस आर यूनिसेक्शुअल और यू कैन से डायोशियस एंड दे ऑलवेज शो सेक्शुअल डायमोरफिज्म सेक्शुअल डायमोरफिज्म क्या होता है कि वेन यू कैन वन कैन मेक आउट वेदर दिस इज अ फीमेल बॉडी और मेल बॉडी सो बाई साइट सो सच डिफरेंशिएशन इज नोन एज सेक्शुअल डायमोरफिज्म यहाँ पर क्या होता है मेल इज स्मर इन साइज और उसका जो पुस्टीरियर एंड होता है वो कर्ड होता है जिस मैं आपको दिखाती भी हूँ ये देखिए ये एस्केरिस है राइट इसमें आप देखो दो वर्म्स हैं और जो कर्ड एंड वाला है दिस दिस पर्टिकुलर दिस इज मेल वर्म राइट इट इज मोस्टली कर्ड एट द पोस्टीरियर एंड और गोनेड्स भी कैसे होती है इनकी टीलोजेनिक टीलोजेनिक का मतलब टे, जो, जो, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंड में जो है टेल एंड पर जो है गोनेड्स प्रेजेंट होती है और एंड हॉलोगोनिक हॉलोगोनिक मीन्स पूरी जो गोनेड है दैट प्रोड्यूसेस गैमिट्स दैट इज हॉलोगोनिक राइट इवन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेट्स नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेट्स का मतलब क्या है जैसे मेल है उसमें केवल एक ही सेट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो उसे कहेंगे मोनॉर्शिक राइट विद सिंगल सेट अगर दो सेट हैं तो उसको कहेंगे डायौर्शिक. इसी तरह फीमेल में भी यदि एक ही सेट एक ही सेट सेट यानी कि एक ओवरी एक ओवीडक्ट एक यूट्रस तो उसको कहेंगे मोनोडेल्फिक फीमेल में अगर एक ही रिप्रोडक्टिव सेट है उसे कहेंगे मोनोडेल्फिक अगर जैसे कि यूजुअल में हो तो दो सेट है वी कॉल इट एज डाइडल्फिक ये वर्ड्स हैं याद रखने के लिए ठीक है ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन भी इन केस ऑफ एस्कलमिंथस इंटरनल होती है राइट right. और क्लीवेज क्या होती है डिटर्मिनेट टाइप व्हाट इज डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज जैसे मैं आपको समझाती हूँ जैसे ये मतलब फो, फोर सेल्ड स्टेज वो बन गया एम्ब्रियो बन गया राइट right. सपोज इस ब्लास्टोमियर को हम रिमूव कर देते हैं तो सपोज ये फ्यूचर ब्लास्टो मियर यू कैन से एक लिम बनाने वाला था लिम्ब तो नहीं है चलो इसमें आप ये सोचो कि कोई भी एक यू कैन से कोई गोनेड बनाने वाला था सपोज फ्यूचर में और अगर ये ब्लास्टोमियर फोर्स स्टेज पे रिमूव कर दिया जाता है तो क्या हो गया बाकी के जो तीन ब्लास्टोमियर वो अपने ही ऑर्गन बनाएंगे दैट पर्टिकुलर ऑर्गन वोंट बी फॉर्म्ड यानी कि वो पहले से ही डिटरमाइंड हो जाता है कि कौन सा ब्लास्टोमीर क्या बनेगा इस तरह ही क्लीवेज को कहते हैं डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज राइट डेवलपमेंट जो है यूजअली जो है डायरेक्ट होता है डायरेक्ट का मतलब क्या है नो लार्वल स्टेजेस आर देयर एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग लाइफ हिस्ट्री इंटरमीडिएट होस्ट में नॉट बी इन्वॉल्व जैसे कि प्लेटे हेलमेंथस में तो काफी सारे इंटरमीडिएट होस्ट होते थे यहां पर इंटरमीडिएट होस्ट मे नॉट बी इन्वॉल्व सो वंस अगेन अगर हम यूनिक फीचर्स देखें एसकेलमेंथस के तो वो क्या होंगे यूनिक फीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनसेगमेंटेड बॉडी देखा अनसेगमेंटेड uh, थी कोई सेगमेंट नहीं था वर्मी फॉर्म वर्मीफॉर्म का मतलब क्या वर्म लाइक करेक्ट एंड देर वर नो कोई लेटरल अपेंडेज प्रेजेंट थी नहीं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने बॉडी में क्या है बॉडी वॉल किसकी बनी हुई है एलिमेंट्री कैनाल में क्या है बॉडी uh, वॉल uh, में क्या है ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती ये इसका एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बॉडी कैविटी में क्या दे आर सूडोसिलोमेट यानी कि कोई ट्रू कैविटी नहीं होती सूडोसिलो सिलोम होती इसलिए इनको सूडोसिलोमेट बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है कंप्लीट है करेक्ट दिस इज अगेन द ऑनसेट ऑफ फुल सिस्टम राइट एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम फ्राम दिस फाइलम नेक्स्ट इफ यू सी दे हैव शोन ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बॉडी वॉल के अंदर क्या है एलिमेंट्री कैनालो की ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है इंट्रा सेलुलर है यानी कि सेल के अंदर वन सेल इज इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन एंड दैट सेल इज एचशेप्ड नोन एज Renet cell. Correct. Another characteristic which they show. Utility. Where the number of cells are fixed. And they also show. oxatic growth. Here what is. oxatic growth. Cell Size of the cell increases. Number of cell doesn't increase. Last one is. That they show. Sexual dimorphism. राइट गोनाइड्स आर थ्रेड लाइक तो उनको क्या बोलते हैं टीलोजेनिक टीलो गोनिक सॉरी टीलो टीलोगोनिक गोने राइट एंड दे आर ऑल्सो होलोगोनिक टीलोगोनिक मीन्स दे आर थ्रेड लाइक फाउंड एट द टेल एंड एंड होलोगोनिक मीन्स द होल गोनाइड विल प्रोड्यूस द गैमिट्स सो होल गोनाइड प्रोड्यूस Gamete. So, uh, that is why they are known as hologonic. So, this is all in the characteristic of Ascalmentis.